टोयोटा फॉर्चूनर 2004 में लॉन्च हुई थी और ये 2020 का सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल में आती है रेंज शुरू होती है ऑन रोड 34 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 44 लाख रुपीज़ और ये टॉप मॉडल डीजल 4x4 ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं स्पोर्टी और फीचर लोडेड लेजेंडर वेरियंट भी आता है जिसकी कीमत है फोर्टी लाख रुपीज़ ये सेवन सीटर और फोर व्हील ड्राइव एस है टू व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है इंडिया की फेमस एस में से एक है फॉर्चूनर आज तक वन लैख सेवेंटी थाउजेंड मॉडल्स बिक चुके हैं अपने सेगमेंट में इसका फिफ्टी थ्री परसेंट मार्केट शेयर है फ्रंट सेंसर्स हैं नए पोनटून शेप बम्पर हैं फॉर्च्यून से लिया गया है फॉर्चूनर का नाम जिसका मतलब होता है पैसा या लक हीरो की नाकाजीमा ने डिज़ाइन की है फॉर्चूनर टोयोटा एस भी कहा जाता है फॉर्चूनर को कुछ कंट्रीज़ में टर्न इंडिकेटर एल ई डी फॉगलाइट नए स्किट प्लेट और ये ट्रेब्जॉइड शेप्ड ग्रिल टोयोटा का लोगो फॉर्चूनर की बैजिंग और ये नए डस्क सेंसिंग एलईडी ई डी हेडलैम्प लाइन गाइड और डीआरएल के साथ वाइपर्स रूफ रेल्स हैं शार्क फेन एंटेना है फॉर्चूनर के डोर वाइजर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं टर्न इंडिकेटर और पडल लैंप्स के साथ साइड फुट स्टेप फोर पॉइंट एट मीटर लेंथ है वन पॉइंट एट मीटर हाइट है फाइव पॉइंट एट मीटर टर्निंग रेडियस है लगभग वन नाइनटी थ्री एम एम ग्राउंड क्लियरेंस है और ट्वेंटी सेवन हंड्रेड के जी ग्रॉस वेट है फॉर्चूनर का कीन लुक डिजाइन लैंग्वेज है और ये हैं एटीन इंच के नए मल्टी एक्सेस सुपर क्रोम एलॉय व्हील सेवनटीन इंच के अलॉयस का भी ऑप्शन है आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे रियर डिस्क ब्रेक्स ये व्हाइट कलर आप देख रहे हैं ब्लैक ब्राउन ब्रॉन्स ग्रे और सिल्वर कलर का भी ऑप्शन है टोयटा के इनोवेटिव इंटरनेशनल मल्टीपर्पज व्हीकल आई एम प्लेटफॉर्म पर बनी है फॉर्चुनर जिसपे इनोवा और हाईलेक्स भी बने इंडिया थाईलैंड अर्जेंटीना इजिप्ट इंडोनेशिया मलेशिया पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और वियतनाम में असेंबली होती है फॉर्च्यूनर की और ये नए स्प्लिट एल ई कॉम्बिनेशन टेल लैम्प फॉर्च्यूनर की बैजिंग टोयोटा का लोगो रियर वाइपर स्पॉइलर हाई माउंट स्टॉप लैम्प और ये फोर व्हील ड्राइव सिग्मा फोर की बैजिंग फॉग लैम्प और एयर सेंसर्स हैं बूट्स कफ प्लेट स्पेयर व्हील पावरफुल वी सिक्स इंजन में भी आती है फॉर्च्यूनर, बट वो मॉडल इंडिया में अवेलेबल नहीं है फॉर्चूनर में पावर और लेजेंडर वेरिएंट में स्टाइल पे फोकस किया गया है बॉडी ऑन फ्रेम चेसी है तीन साल वन लाख किलोमीटर की वारंटी टोयोटा देती है फॉर्चूनर पर इस फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट में हाई H4 और लो L4 रेंज मोड्स हैं इसके साथ डाउन हिल कंट्रोल लॉकेबल डिफरेंशियल और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे नीचे पैर घुमा के भी आप बूट को ओपन कर सकते हैं फुली ऑटोमेटिक पावर बूट डोर है हाइट एडजस्ट मेमोरी और जैम प्रोटेक्शन के साथ यहाँ आपको मिलेगी 100 लीटर की बूट स्पेस रियर सीट्स फोल्ड करने पर 296 लीटर की स्पेस बन जाएगी नीचे ट्रेल वोल्ट का पोर्ट है होक है इधर भी होक दिया गया है फोल्डेबल थर्ड रो सीट्स हैं और वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट आइए पीछे के पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं 11 स्पीकर्स जे बी एल साउंड सिस्टम मिलेगा फॉर्च्यूनर में सब ओफर और एम्पलीफायर के साथ सारी पावर विंडोज़ ऑटो अप डाउन मिलेंगी जैम प्रोटेक्शन के साथ फॉर्चुनर की बैजिंग थोड़ी स्पेस पावर विंडो के कंट्रोल नीचे बॉटल होल्डर काफ़ी स्पेस स्पीकर स्कफ़ प्लेट और यह है ब्लैक परफोरेटेड लेदर अपॉल्स्ट्री, लाइट ब्राउन कलर का भी ऑप्शन है ये अपॉल्स्ट्री जेनुइन और सिंथेटिक लेदर का मिक्स है आमरेस पे दो ग्लास होल्डर्स हैं सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट सेकेंड रो सीट्स हैं फोल्ड स्लाइड रिक्लाइन और वन टच टम्बल के साथ ऐसी थर्ड रो सीट्स वन टच फोल्डेबल और रिक्लाइनिंग थर्ड रो सीट्स हैं ऊपर ए सी हैं, लाइट दी गई है दो हेडरेस्ट मिलेंगे काफी लेग रूम है इधर थोड़ी स्पेस दी गई है रूफ़ पे ए सी वेंट्स हैं लाइट दी गई है सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी फोर के जी कैपेसिटी का हुक है थोड़ी स्पेस ट्वेल्व वोल्ट का पोर्ट आ सकता है डैशबोर्ड सॉफ्ट अपॉल स्ट्री में रैप्ड है डैशबोर्ड ए सी की कंट्रोल्स हैं रीडिंग लाइट्स हैं ए सी वेंट रूफ पे आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं यहां पर भी डोर पे नीचे लाइट है बॉटल होल्डर है काफी स्पेस है स्पीकर है लेदर फिनिश, पावर इंडो के कंट्रोल सोआर के कंट्रोल जे के स्पीकर डोर लॉक अनलॉक करने का बटन है यहाँ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है काफी स्पेस टोयोटा की स्कफ प्लेट टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन पावर एडजस्टेबल और सक्शन बेस्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं नेक इंजरी को कम करने वाली कॉन्सेप्ट फ्रंट सीट्स हैं ये और टेलेस्कोपिक स्टेरिंग है पैडल्स, बोनेट ऑफ यूनिट खोलने के लीवर और ये बूट ओपन पार्क एसिस्ट और डी सिस्टम के बटन्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ग्लास होल्डर यहाँ से भरेंगे डीजल और इसके अंदर काफ़ी स्पेस है और ये डिफरेंशियल ऑटो स्टार्ट स्टॉप अट्रैक्शन कंट्रोल के बटनस ड्राइव मोड के बटनस और ये है सिक्स स्पीड सीक्वेंशियल शिफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है पेट्रोल में फाइव स्पीड मैनुअल और सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलेंगे दो ग्लास होल्डर आगे थोड़ी स्पेस सीट वेंटिलेशन और डाउन हिल कंट्रोल के बटनस हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल हाई और लो रेंज के लिए ट्रायल वोल्ट और यूएसबी का पोर्ट है और यह है डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी ऑटो रियर कूलर के साथ और यह है एट इंच का स्मार्ट प्ले कास्ट टच स्क्रीन इंफरटेनमेंट कैपेसिटिव स्विचेस के साथ सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ यूएसबी, बी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये ट्रिप इंफॉर्मेशन ब्लूटूथ ऑडियो फोन एप्स, ब्लूटूथ ऑडियो सेटिंग्स जनरल सेटिंग्स ब्लूटूथ सेटिंग्स स्मार्ट डिवाइस लिंक वाईफाई, पार्क असिस्ट डिस्प्ले सेटिंग्स रियर कैमरा डिस्प्ले दो ए सी हैं, डिजिटल क्लॉक है और ये शानदार डैशबोर्ड की फिनिश जे वी एल के स्पीकर्स हैं और यहाँ ग्लास होल्डर है अपर कूल ग्लो बॉक्स है लॉकेबल लोअर ग्लो बॉक्स है पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ इलेक्ट्रोक्रोमिक रियर व्यू मिरर सनग्लास होल्डर लाइटिंग और इंटीरियर मॉनिटरिंग सिस्टम का बटन है ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ और यह है पावर स्टेयरिंग वेरिएबल फ्लो कंट्रोल के साथ फ़ोन वॉल्यूम इन्फोटेनमेंट और वॉइस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स पैडल शिफ्टर लाइट के कंट्रोल वाइपर के कंट्रोल्स और ये क्रूज कंट्रोल और ये है ऑप्टीट्रॉन कूल ब्लू कॉम्बी मीटर क्लस्टर टी एफ टी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ जो दिखाएगा कूलेंट एंड टेम्परेचर फ्यूल लेवल स्पीड आर पी एम गेयर शिफ्ट इंडिकेटर और कई इंफॉर्मेशन digital speed average settings vehicle settings meter customization a yes, sport mode आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन तो ये है ट्वेंटी एट हंड्रेड सी सी इन लाइन फोर सिलेंडर डी फोर डी कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन डी ओ एच सी सिक्सटीन वॉल्व टोयटा वन जी डी एफ टी वी एस टेक डीजल इंजन हैवी ड्यूटी वेरिएबल नोजल टर्बोचार्जर और इंटरकूलर के साथ टू हंड्रेड वन हॉर्स पावर है फाइव हंड्रेड एन एम टॉर्क है और टेन का एवरेज मिलेगा एट्टी लीटर के फ्यूल टैंक से मैनुअल ट्रांसमिशन मॉडल में फोर ट्वेंटी एन टॉर्क होगा और फोटीन का एवरेज मिलेगा एस या ई e -E का फुल फॉर्म है इकॉनमी बेस सुपीरियर थर्मल एफिशिएंट कम्बशन टेक्नोलॉजी पेट्रोल में 2700 सेवन हंड्रेड सी सी इन लाइन फोर सिलेंडर डी ओ एस सी डूअल वी वी टी आई सिक्सटीन वोल्व टोटा टू टी आर एफ ई एंजन आएगा उसकी होगी 163 सिक्सटी थ्री हॉर्स पावर टू फोर्टी फाइव एन एम टॉर्क और वो देगा टेन का एवरेज तो कैसी लगी आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर? हमें कमेंट्स में बताइए